What is transformer vector group? Transformer vector group means it shows the phase displacement between primary and secondary. Means primary or secondary में जो phase displacement होगा उसका relation बताएगा, और सेकेंड पॉइंट ये बताएगा कि हाई वोल्टेज कौन सा है और लो वोल्टेज पार्ट कौन सा है। तो ये दो चीज़ें ट्रांसफॉर्मर वेक्टर ग्रुप में बताई जाएगी। सबसे पहला है कि फेज डिस्प्लेसमेंट बताया जाएगा प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में, और दूसरा ये कि हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज बताया जाएगा। अगर कैपिटल के अंदर लिखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार लिखा हो या फिर डेल्टा लिखा हो, स्टार और डी, तो ये हाई वोल्टेज है। और अगर स्मॉल में लिखा है तो ये लो वोल्टेज है। और इसके साथ में फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं वाई डी डबल वन, मीन्स वाई डी इलेवन। अब ये जो इलेवन वाला पार्ट है वो ये डिनोट करता है कि कितने डिग्री फेस डिस्प्लेसमेंट है, 30 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है या फिर 90 डिग्री है, ये फेस डिस्प्लेसमेंट बताएगा नंबर। तो अभी हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि कैसे इसको याद रखा जाए। तो हमारे सामने एक घड़ी जैसा डायग्राम ड्रॉ की है। अगर 12 है, फॉर एग्ज़ाम्पल वाई डी 12, ऐसा अगर लिखा हुआ है तो वाई मीन्स हाई वोल्टेज है और स्टार कनेक्शन में है, डी मीन्स डेल्टा कनेक्शन है और वो लो वोल्टेज है, और 12 मीन्स फेज डिस्प्लेसमेंट में फेज शिफ्ट कितना है, तो यहाँ पे फेज शिफ्ट 0 है। तो वाई डी 12 का मतलब जो है, वाई मीन्स हाई वोल्टेज स्टार कनेक्शन, डी मीन्स लो वोल्टेज डेल्टा कनेक्शन एंड 0 डिग्री फेज शिफ्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल वाई डी 1 लिखा है तो ये हाई वोल्टेज है, ये सेकेंडरी वोल्टेज लो वोल्टेज है, डेल्टा कनेक्शन, और 1 मीन्स -30 डिग्री फेज शिफ्ट है, उसको हम लैगिंग भी कह सकते हैं। मीन्स हाई वोल्टेज जो है वो स्टार कनेक्शन है, डी जो है वो लो वोल्टेज डेल्टा कनेक्शन है, और लैगिंग है लो वोल्टेज हाई वोल्टेज से 30 डिग्री लैगिंग है। और एक एग्जांपल वाई डी 11 मीन्स ये है हाई वोल्टेज स्टार कनेक्शन, डी मीन्स लो वोल्टेज डेल्टा कनेक्शन, और लो वोल्टेज जो है वो हाई वोल्टेज से लीडिंग है, मीन्स 30 डिग्री लीडिंग है लो वोल्टेज हाई वोल्टेज से। और एक एग्जांपल वाई डी 6 मीन्स हाई वोल्टेज स्टार कनेक्शन, लो वोल्टेज डेल्टा कनेक्शन एंड 6 मीन्स 180 डिग्री फेज शिफ्ट।